रोड सेफ्टी नए कानून के विरोध में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए रोड सेफ्टी बिल में जारी जुर्माने के विरोध में अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार बालिया ने केंद्र सरकार पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने अगर जल्द ही इस नए कानून को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन करेंगे और जब तक बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज रुड़की के एक होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए राम कुमार बालिया ने कहा कि आज देश में शाही की तरह सरकार चल रही है। जब जिस कानून को थोपना चाहते हैं थोप देते हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार की एक ऐसी नीतियों का विरोध करती है। पत्रकारों के द्वारा पूछने पर ही कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। इस पर उन्होंने बेवाकी के साथ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में अब बदलाव का दौर है। कांग्रेस में अब निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता निष्क्रिय रहते हैं, पार्टी हित में सक्रिय नहीं होते, अब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है। अब पार्टी को सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ताओं की जरूरत है। राम कुमार बालिया ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हरीश रावत जी के पीछे सीबीआई लगा है, ये इसका विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इस तरह की बदले की भावना से काम ना करें। वहीं कांग्रेस इटक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पहलवान ने प्रधानमंत्री पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की गरीब जनता पर चालान में वृद्धि कर गरीब मार देने का काम किया है। यही जनता लाइन में लगकर वोट देती है। हमारे जो है शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है नगर पालिका में, और मैं तो यही चाहूँगा कि सक्रिय रूप से जो आज पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो जागरूक हो रहे हैं सिर्फ उन्हें जगाने की जरूरत है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर प्रीतम सिंह जी पूरे उत्तराखंड के अंदर घूम घूम के जगह जगह कार्यकर्ता को जगाने का काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं, कोई निष्क्रिय हो, सब लोग जागरूक हैं और सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। जनता की आवाज़ जो है आज आपके बीच में पूरे देश के अंदर, ये जो इन्होंने लागू किया है चालान का, जो सुनो इसमें क्या है कि इसमें जो है गरीब मार हो रही है, और यह मोदी जी ने एक गरीब मार जो यही लोगों को चालान हो रहा है, यही लोग वोट की लाइन में खड़े होने वाले हैं। एक मजदूर, एक आम नगर पालिका छोटा कर्मचारी, उसमें भी वाइट है। अगर उसका जो 20 रुपये का वो मजदूर है, 50 रुपये का जुर्माना है, तो वो गरीब मार है। और ये देश के अंदर कांग्रेस इसको जोर शोर से उठाएगी, यानी पूरे देश के अंदर जन आंदोलन करेगी। अगर मुझे जंतर मंतर पर धरना देना पड़े तो भी मैं जंतर मंतर पर धरना दूंगा। देखिए अभी हाल में केंद्र सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण एक आदेश निकाला है जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग दुखी हैं और पीड़ित हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए नाजायज रेट बढ़ा दिए, 100-100 गुना रेट बढ़ा दिए, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और जनता के हित में भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। मैंने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से, किसान कांग्रेस की ओर से, मजदूर कांग्रेस की ओर से इसका विरोध किया है और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सड़कों पर आकर इसका विरोध करें, जन आंदोलन चलाएं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ये तानाशाही पूर्ण फैसला वापस ले, नहीं तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर आकर जन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, चक्के जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। कहना चाहता हूं कि इस फैसले को तत्काल वापस लेने का काम करें। देखिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, परिवहन मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं, और पार्टी हाई कमान से दिशा निर्देश लिए जाएंगे कि इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए। उनसे दिशा निर्देश लेने के बाद मैं समझता हूं 10-15 दिनों के अंदर, यदि 15 दिन तक ये फैसला सरकार वापस नहीं लेती तो फिर कांग्रेस के लोग प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक तहसील के अंदर इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। पर मैं प्रदेश कांग्रेस का भी पदाधिकारी हूँ, उस नाते भी कहना चाहता हूँ कि अब जमाना फाइट करने का है, संघर्ष करने का है, और मैं अपील करता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि निष्क्रियता त्याग दें, सक्रिय बने और जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर आने का काम करें,
पार्टी को मजबूत करने का काम करें, और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति दिखाई देगा कि बिल्कुल ही निष्क्रिय है और पद लेकर काम नहीं कर रहा है, तो चाहे वो किसान कांग्रेस का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो, महिला कांग्रेस का आदमी हो, अब उसको नमस्कार कर दी जाएगी और उसके स्थान पर नए आदमी की नियुक्ति कर दी जाएगी। आपने प्रश्न पूछा है, एक बात मुझे बताइए कि यदि इस तरह के मुद्दों को लेके ये बात करेंगे तो हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री चल नहीं सकता है। क्या हरीश रावत जी ने किसी से लेन देन किया है जो उनके ऊपर सीबीआई लगा दी? केवल एक बात करना और बात भी उनसे जबरदस्ती रावत जी के मुंह से छीन लेना और उस पर सीबीआई लगा देना, मैं इसका विरोध करता हूं। और केंद्र सरकार से फिर अपील करता हूं कि इस प्रकार बदले की भावना से काम ना करें। देखिए, अभी हाल में केंद्र सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण एक आदेश निकाला है जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग दुखी हैं और पीड़ित हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन करते हुए नाजायज रेट बढ़ा दिए, सौ गुना रेट बढ़ा दिए, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और जनता के हित में भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। मैंने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से, किसान कांग्रेस की ओर से, मजदूर कांग्रेस की ओर से इसका विरोध किया है और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सड़कों पर आकर इसका विरोध करें, जन आंदोलन चलाएं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ये तानाशाही पूर्ण फैसला वापस ले, नहीं तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर आकर जन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, चक्के जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। कहना चाहता हूं कि इस फैसले को तत्काल वापस लेने का काम करें। देखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं, परिवहन मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं, और पार्टी हाईकमान से दिशा निर्देश लिए जाएंगे कि इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए। उनसे दिशा निर्देश लेने के बाद मैं समझता हूं 10-15 दिनों के अंदर, यदि 15 दिन तक ये फैसला सरकार वापस नहीं लेती तो फिर कांग्रेस के लोग प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक तहसील के अंदर इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे।